मंगलवार को जेडीयू की ओर से नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की गई। सुनकर हैरान हो जाएंगे, इस कमेटी में केसी त्यागी नहीं है। केसी त्यागी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो चौंकाने वाली बात है। केसी त्यागी को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। वो जेडीयू के वरिष्ठ महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची से नाम गायब होने के साथ ही केसी त्यागी का जदयू से पत्ता साफ लग रहा है। पार्टी ने अपने कई सांसदों और पूर्व सांसदों सहित जल संसाधन मंत्री संजय झा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। पूर्व विधायक राजीव रंजन को महासचिव के साथ साथ प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई है। कुल 22 राष्ट्रीय महासचिव व 7 सचिव बनाए गए हैं। वहीं शैलेंद्र कुमार को दिल्ली प्रदेश जदयू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी इस लिस्ट से आउट दिखे, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपनी टीम बनाते नजर आ रहे हैं। केसी त्यागी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। जब भी नीतीश कुमार पर सियासी हमला हुआ है तो केसी त्यागी उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहे हैं। आज केसी त्यागी जेडीयू की राष्ट्रीय सूची से गायब है। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 32 सदस्यीय नेताओं की कमेटी बनाई, एक उपाध्यक्ष तो वहीं 22 नेता महासचिव बनाए गए हैं। मंगनी लाल मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इस कमेटी में जेडीयू के 22 नेता महासचिव के पद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केसी त्यागी को जेडीयू की राष्ट्रीय कमेटी से फिलहाल आउट कर दिया गया है और विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले गुलाम रसूल बलियावी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। एक बार फिर उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में कुशवाहा कोरी समुदाय के नेताओं को अहम पद दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से संभावित नुकसान की आशंका से निपटने के लिए फिलहाल ये कदम उठाया गया है। कुशवाहा ने पिछले महीने ही राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। जेडीयू की नई टीम में 12 नए चेहरे भी शामिल हैं। हालांकि केसी त्यागी को बाहर रखना चर्चा का विषय बना हुआ है। केसी त्यागी को जेडीयू के दिल्ली की सियासत का चेहरा माना जाता रहा है। नीतीश कुमार की योजनाओं पर दिल्ली में काम करने वाले केसी त्यागी ही माने जाते हैं और भाजपा के साथ गठबंधन कराने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे और शायद इसी कड़ी में ये बड़ा कदम लिया गया है, जहां राष्ट्रीय कमेटी में केसी त्यागी को जगह नहीं दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।